सुषमा सोरेन मोदी को चुनौती दे रही है, झारखंड को नहीं, ये मोदी को चुनौती दे रही है कल्पना सोरेन। मतलब एक राष्ट्रीय नेता कह सकते हैं, एकदम एकदम राष्ट्रीय नक्शे पर कल्पना सोरेन, सुनीता केजरीवाल ये राष्ट्रीय स्तर की नेता, और मोदी जी को चुनौती देकर ये देश की पटल पर राष्ट्रीय नेता के तौर पर उभर रही है। और ये हिंदुस्तान नहीं, पूरे विश्व के नक्शे पर लोगों ने देखा। इस बार पूरे 400 पार नहीं, उसको 4 पार करके उसको तड़ी पार करेगी यहाँ इंडिया गठबंधन, और मोदी को यहाँ से जहाँ विश्व में वो प्रचलित है, विश्व में घूमने के लिए झोला देके यहाँ इंडिया गठबंधन उसको भेजे। एक बार को रावड़ी देवी को भी कहा गया था कि अंगूठा छाप जो है वो सीएम बन जाएगी, लेकिन वो आ करके अपने कार्यकाल में बहुत कुछ अच्छा करके गई महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए। तो अगर मुख्यमंत्री के तौर पर भी किसी को देखा जा रहा है तो वो कोई गलत नहीं दिखा, महिलाओं को मौका ही तो नहीं दिया है, ये पुरुष सत्ता है जो पॉलिटिक्स पे भी हावी। जोहार, पुनः इस कड़ी में आप सबों का स्वागत है। इंडिया गठबंधन का ये उंगलान महारैली जो प्रभात तारा मैदान रांची में है, और अभी चंपई सोरेन का भाषण चल रहा है, कई लोग जो है सो निकल रहे हैं भाषण को सुन सुन के, और क्या कुछ कहते हैं आइए हम जानने का प्रयास करते हैं। इन लोग क्या कुछ सुने हैं ये हम जानने का प्रयास करते हैं। तो तस्वीर में देख सकते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा JMM का झंडा है, और ये लोग अभी जो है भाषण सुन के निकल रहे हैं। कहाँ से हैं जानने का प्रयास करते हैं, आप लोग कहाँ से हैं? हम लोग बोकारो स्टील सिटी से हैं। बोकारो स्टील, क्या नाम है? मेरा नाम हुआ मोहम्मद अजहरुद्दीन आलम। मोहम्मद जी, अभी चंपई सोरेन का भाषण चल रहा है, पिछले बार भी कई लोग नेताओं का भाषण चल रहा है, ये उलगुलान में जो रैली में आप आए, क्या कुछ समझ में आया? इसमें मेरे को एक चीज देखने को मिल रहा है कि जो इंडिया अलायंस की जो महागठबंधन की जो अपनी एक सरकार बनाने की जो एक मनोकामना है, वो कहीं ना कहीं ये साफ देखने को मिल रहा है कि अब वो सरकार बनाने की ओर जा रहे हैं, और ये नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खुलने जा रही है, और कहीं ना कहीं ये जन सैलाब बता रहा है कि इंडिया गठबंधन मजबूत होने जा रहा है। जी, कितना सीट आ सकता है, चूंकि कल के डेट में 102 सीटों पे वोटिंग हो चुकी है। ठीक है, उतना अनुमान तो मैं नहीं लगा सकता हूँ सर जी कि कितना सीट आ रहा है, लेकिन मैं अपने समर्थन के माध्यम से बोलना चाहूँगा कि इस तरह जन सैलाब देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन आगे रहेगी। आप कहाँ से? कहीं ना कहीं हम यही सोचते हैं कि 102 सीटों में चुनाव हुआ है, जिसमें इंडिया अलायंस में को लगता है कि 80 से 90 सीट आने वाली है, और कहीं ना कहीं देश विकसित की ओर, विकास की ओर जा रही है और चेंज होने जा रहा है, चेंज होने जा रहा है। जी जी, चलिए, ये जनता की अपनी राय है, बाकी और लोगों से हम जानने का प्रयास करते हैं। अभी जो उलगुलान रैली में कई नेताओं ने अपनी अपनी विचार को रखे हैं, क्या कुछ समझ में आया? समझ में क्या आएगा, समझ में तो शॉर्टकट है कि पूरे देश को जो बेचने वाली जो ताकत है उसको हटा के भगाना है और गठबंधन को जिताना है, शॉर्टकट में तो हम लोग यही समझे हैं। आप कह रहे हैं कि देश को जो है वो बेचने का काम कर रहे हैं, लेकिन वो उनके समर्थक और वो कह रहे हैं कि हमने देश को जो है पूरे विश्व में एक पहचान दिलाया, ऐसी पहचान दिलाया है कि हमारे जो मैंने मुख्यमंत्री, इतना लोकप्रिय मुख्यमंत्री, चुनाव के ठीक पहले अरविंद केजरीवाल हेमंत सोरेन को वो जेल में डाले हैं, इसके लिए पूरा विश्व थू थू कर रहा है इसी नरेंद्र मोदी की सरकार को, इसके लिए भी विश्व में वो प्रचलित है। तो फिर 400 पार का नारा भी तो दे रहे हैं, वो तो नारा कुछ भी दे सकते हैं, 400 पार भी दे सकते हैं, संविधान बदलने के लिए दे सकते हैं, उनकी नारा का कोई काम अभी झारखंड में नहीं आएगा, ना इस लोकसभा चुनाव में आएगा। इस बार पूरे 400 पार नहीं, उसको 4 पार करके उसको तड़ी पार करेगी यहाँ इंडिया गठबंधन, और मोदी को यहाँ से जहाँ विश्व में वो प्रचलित है, विश्व में घूमने के लिए झोला दे के यहाँ इंडिया गठबंधन उसको भेजेगी। हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने अपने विचार को रखी, उनके विचारों से आप क्या समझ? उनके विचारों से हमको समझना क्या, उनके विचारों से जो सत्यता है, जो भावुकता है, जो उनके ऊपर दमन है, उनकी के पति को जेल में डाल देना चुनाव के समय, बेकसूर छोटे छोटे बच्चे को देके इतना घबराए हुए हैं भाजपा के लोग, जो बेकसूर मुख्यमंत्री को, लोकप्रिय मुख्यमंत्री को जेल में डाले हैं, तो उनकी भावना के साथ हम लोग हैं, उनके साथ हैं, पूरे झारखंड के साथ है, झारखंड की आवाम के साथ है हम लोग। कल्पना सोरेन जो है, हेमंत सोरेन जेल जाने के बाद जिस तरह से कल्पना सोरेन जगह जगह पे भी रैली में जा
जा रही है, सभाओं में जो बातें रख रही है, और जिस तरह से उसको एक पॉपुलरिटी मिल रहा है, उसको आप कैसे देखते हैं? कल्पना सोरेन कोई घर में बैठने वाली नहीं, किसी के ऊपर दमन होगा, आपके ऊपर दमन होगा तो आपकी पत्नी घर से निकल जाएगी। तो कल्पना सोरेन शौक से नहीं निकली, कल्पना सोरेन पर दमन हुआ है, उनके ऊपर अत्याचार हुआ है, अन्याय हुआ है, उनके बच्चों के साथ अन्याय हुआ है, बूढ़े माँ बाप के साथ अन्याय हुआ है। तो कल्पना सोरेन दबने वाली नहीं है, इसलिए वो घर से निकल के पूरे हिंदुस्तान ही नहीं पूरे विश्व के नक्शे पर अपनी पहचान बना रही है कल्पना सोरेन। और ऐसी जो ताकत है, ऐसी जो ताना शाही ताकत को शिकस्त देगी ये इंडिया गठबंधन। इस बार झारखंड में इंडिया गठबंधन का कितना सीट आने की संभावना लगता है? पूरे झारखंड में इंडिया गठबंधन बीजेपी को, एनडीए गठबंधन को साफ करेगी, उसको कहीं पूछने वाला लोग नहीं मिलेगा। एक तरफ भाजपा का जो लहर है, चाहे वो धर्म के नाम से हो, चाहे राम मंदिर के नाम से हो, उससे इंडिया गठबंधन कैसे लड़ेगी? धर्म के नाम पर नहीं, अभी जो इंडिया गठबंधन है, झारखंड की जो जनता है, लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए, रोजगार पाने के लिए, किसानों को पाने के लिए, महिलाओं का सम्मान के लिए, इसके लिए लड़ रही है। भारत की जो संविधान और लोकतंत्र है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपनों की जो भारत है, उसके लिए लोग लड़ रहे हैं, ये सत्ता के लिए नहीं। कैसे संविधान बचेगा, इसके लिए इस बार का वोट होगा, इसीलिए यहाँ बीजेपी का सफाया होगा, बीजेपी का सफाया होगा। कितना सीट आने की संभावना है दीदी यहाँ पे? अभी तो सारे ही आ सकते हैं, अगर सही तरीके से जो गठबंधन है वो इस मौके का इस्तेमाल करे, क्योंकि अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारने का काम किया है कि दो दो स्टेट के मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल दिया है, और ऐन चुनाव के वक्त में जो जनता में क्लियर मैसेज देता है कि जो जनपक्षीय है, जो आदिवासी दलितों और एक कॉमन आदमी की आवाज उठाने वाला केजरीवाल और हेमंत को जेल में डालता है, वो सही में लोकतंत्र को तो सपोर्ट नहीं करता। लोकतंत्र को सपोर्ट नहीं कर रहा है। कल्पना सोरेन गांडे उपचुनाव लड़ रही है और वहां जाके जनता के बीच में जा रही है, तो क्या कैसे देखते हैं कि क्या वो चुनाव में क्या कुछ हो सकता है? देखिए, वो ये जो है कि ये बदला लेने का भाव है जो कल्पना सोरेन जिस मूवमेंट से गुजर रही हैं, और वो गांडे जो है वो भाव को महसूस करते हुए जवाब देगा अपने वोट के जरिए। आप एक महिला हैं, कल्पना सोरेन पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी हैं और एक महिला है, उनके राजनीतिक में आना आप कैसे देखते हैं कि वो आगे किस रूप में उनको देखना पसंद करते हैं? देखिए, यही झारखंड में 58% आरक्षण दे करके पंचायत चुनाव में महिलाओं को लाया गया, कई महिलाएं जो है अपने पति के पीछे पीछे चल के आई, लेकिन जब वो आई तो राजनीति में एक नया रुख आया, महिलाओं की तरफ एक नया रुख आया। कई लड़के अब शादी इसलिए करते हैं ऐसी लड़की को देख करके जो थोड़ी बोलने में तेज हो, क्योंकि उसको वो चुनाव लड़वा सके, क्योंकि वो आरक्षण आया। अब कल्पना आती है तो कई महिलाएं वो सोचेंगी कि चुनाव और पॉलिटिक्स जो है वो सिर्फ पुरुषों का नहीं, हमको भी मैदान पकड़ना होगा। मतलब अब बदलाव आएगा महिलाओं का, अब एक जागरूकता, जो थोड़ा सा बोलने से हेजिटेट होती थी महिलाएं, अब उनकी बात खुलेगी कल्पना सोरेन के आने के बाद। एक जो एक खबरें चल रही है, गिरिडीह के सदर विधायक बोले थे कार्यक्रम में कि आप जो है गांडे विधानसभा से मुख्यमंत्री के समकक्ष नेता चुनेंगे, तो क्या कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री का दाव या उस तरह से आप लोग देखते हैं? इसके लिए अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री कौन बनेंगे और मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। आप लोग का क्या संभव? देखिए, एक बार को रावड़ी देवी को भी कहा गया था कि अंगूठा छाप जो है वो सीएम बन जाएगी, लेकिन वो आकर के अपने कार्यकाल में बहुत कुछ अच्छा करके गई महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए। तो अगर मुख्यमंत्री के तौर पे भी किसी को देखा जा रहा है तो वो कोई गलत नहीं देखा, महिलाओं को मौका ही तो नहीं दिया है। ये पुरुष सत्ता है जो पॉलिटिक्स पे भी हावी है, पॉलिटिक्स में अधिकतर पुरुष हैं, और अगर महिलाओं को कोई मौका मिलता है, भले वो सीएम के तौर पे या पीएम के तौर पे, वो बेहतरीन पोजीशन। झारखंड की राजनीति में, झारखंड की राजनीति में आदिवासी महिला है, समझती है यहाँ के जल जंगल जमीन की लड़ाई, क्यों नहीं अच्छा परफॉर्म करेगी? आप जो एक सवाल बोले कि मुख्यमंत्री के समकक्ष, ये समकक्ष की कोई बातें नहीं होती है, ये विधानसभा की चुनाव हो रही है, यहाँ पहले विधायक चुने जाते हैं, अब विधायक लोग उनके उस योग्य समझेंगे तो जरूर उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे, उनके अंदर काबिलियत है।
किसी से हम कंपेयर नहीं करेंगे, उनके अंदर भी काबिलियत है, क्षमता है, वो पूरा चीज देखी है, झेली है, जो गुरु जी के संघर्षों का इतिहास को वो देखी है, इसीलिए वो उस लायक है और बन सकती है और झारखंड को अच्छी दिशा दशा रोजगार महिलाओं का जो सम्मान मान तमाम चीज को वो दे सकती है। झारखंड में अब तक कोई महिला मुख्यमंत्री नहीं है, तो आप लोगों को क्या लगता है कि कल्पना सोरेन जो जिस तरह से अभी उभर के आई है, तो आप लोग उनको उनके अंदर कुछ देख रहे हैं? एकदम देख रहे हैं। झारखंड की मुख्यमंत्री वो बन सकती हैं, चला सकती हैं, और यहाँ महिलाओं का जो आधी आबादी महिलाएं हैं उतर उसका पूरे देश के ये पूरा उसको चला सकती हैं, जो आज तक मतलब जो भी मुख्यमंत्री अभी हैं हेमंत सोरेन जी चलाए हैं, शिबू सोरेन जी चलाए हैं, कल्पना सोरेन इससे पहले तो नहीं आई थी। कल्पना सोरेन मोदी को चुनौती दे रही है, झारखंड को नहीं, ये मोदी को चुनौती दे रही है कल्पना सोरेन। मतलब एक राष्ट्रीय नेता कह सकते हैं? एकदम राष्ट्रीय नक्शे पर कल्पना सोरेन, सुनीता केजरीवाल ये राष्ट्रीय स्तर की नेता, और मोदी जी को चुनौती देकर ये देश की पटल पर राष्ट्रीय नेता के तौर पर उभर रही है, और ये हिंदुस्तान नहीं पूरे विश्व के नक्शे पर लोगों ने देख रहा है, पूरे विश्व के नक्शे पर देख रहा है। चलिए शुक्रिया। कल्पना सोरेन को पूरे विश्व के नक्शे पे देखा जा रहा है, हालांकि एक खबर चली थी कि हेमंत सोरेन जेल जाने के बाद कल्पना सोरेन का जिस तरह से राजनीतिक में कूदना और राजनीतिक में कूदने के बाद जो है वो जिस तरह से मंच साझा करना, मंचों से अपनी बात को रखना, चाहे वो महाराष्ट्र में हो, चाहे और कहीं हो, चाहे दिल्ली में हो, चाहे वो आपका ये प्रभात तारा मैदान रांची की अगर बात हो, तो आप ये चीज को अगर देखेंगे, उसकी बातों को, उसकी शब्दों को और उनके बात करने के तौर तरीकों को अगर आप देखेंगे, तो लगेगा कि ये एक सुलझे हुए नेता जो है सो सभा को संबोधित कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि आने वाला समय जो है हो सकता है क्या कुछ होगा, ये आप ही जनता बताएंगे कि क्या कल के लिए कल्पना की है, कल जो है कल्पना की है, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगली कड़ी में। जोहार।